टाउन हॉल मीटिंग चल रही है, सीएम मानकी कुछ कह रहे हैं, वो भी तुसे सुनो। छत्तीसगढ़ से एक आम छोटे से घर से निकले हुए और बहुत बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद विदेशों में पढ़ाई करने के बाद पार्टी में शामिल हुए और पार्टी ने उनको पंजाब का संगठन प्रभारी बनाया, राज्यसभा के एमपी डॉक्टर संदीप पाठक जी। हमारी मध्य प्रदेश की पूरी टीम, बहन रानी अग्रवाल जी, पंजाब के हमारे युवा नेता, देखो पंजाब के दो एमएलए आपके इस मंच पे हैं, शैली कलसी बटाला से और दिनेश चड्डा रोपड़ से, और इन्होंने हराया कौन है, बड़े बड़े दिग्गज जो चार चार पांच पांच बार हारे ही नहीं थे, ये हमारी युवा टीम है। आज ये जो हमारे हाथ में एक चीज है, इसको संभाल के रखिएगा, ये दूसरी पार्टियों की तरह कोई फालतू का पत्र, संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो, ये वो नो, ये वो नहीं है। इसमें जो लिखा है वो पूरा होगा, ये गारंटी है। जैसे, और है भी केजरीवाल की गारंटी, जैसे गंगा मैया की धारा उल्टी चल नहीं सकती, गंगा मैया की धारा उल्टी चल नहीं सकती, वैसे ही केजरीवाल की दी हुई गारंटी बदल नहीं सकती। गारंटी होमवर्क करके देते हैं, कितने पैसे लगेंगे इसमें, ऐसे नहीं अनाउंस कर देते हम, कितने पैसे चाहिए, कहां से वो पैसा आएगा, हर गारंटी में हिसाब किताब होता है। इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं, पैसे का हिसाब किताब तो हमारे प्रधान से ज्यादा कौन जानता होगा। रोजगार की गारंटी, दिल्ली में 12 लाख से ज्यादा नौजवान लड़के लड़कियों के लिए रोजगार पैदा कर चुके हैं, दिल्ली में रोजगार। पंजाब में एक साल हुआ है अभी सरकार बने हुए, 31,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में लाखों की गिनती में टाटा स्टील भी आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां पंजाब में निवेश करने के लिए आ रही हैं, क्योंकि सरकार में विश्वास बन गया, लोगों को यह लगने लगा यार अच्छी सरकार है। तो गारंटी रोजगार की, मैं यहां अगर ये बोल दूं ना, हाथ खड़े करो कौन कौन बेरोजगार है, मेरे ख्याल में कोई हाथ रहेगा नहीं, सारे बेरोजगार है। इन्होंने क्या किया 70 सालों में, अपने आपने कभी किसी नेता के बेटे को या बेटी को बेरोजगार देखा है, किसी नेता का बेटा बेरोजगार देखा है? वो तो जा चेयरमैन होगा, जा एमएलए होगा, जा मंत्री होगा, नहीं तो क्रिकेट विकेट में होगा, कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। लेकिन हमारे बच्चे डिग्रियां लेके उनसे ज्यादा बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके धरने पे बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे है, ठेके पे है, और रोजगार से साथ जुड़ी हुई गारंटी है कर्मचारियों की। यह भी मैं बता देता हूं, पंजाब में हमने अभी अभी पिछले 10 दिन पहले 12,710 कच्चे टीचरों को पक्के करके उनको नौकरी पे ली, 3 गुना तनख्वाह बढ़ा दी,
जिनकी तनख्वाह 5,000 थी उनकी 15,000, जिनकी 11,000 थी उनकी 24,000, और छुट्टियां मिलेंगी सारी, 58 साल तक रिटायरमेंट होगी, कोई हिला नहीं सकता उनको। तो भाई सरकार है, सरकार लोगों ने बनाई है, तो लोगों पर पैसा खर्चने से क्या कोई इसमें शर्म चाहिए कि लोगों पर, लोग टैक्स दे रहे हैं, आप लोग टैक्स दे रहे हो, वही पैसा है ना। अभी बहुत से मेरे भाई सोच रहे होंगे, यार हम तो टैक्स देते नहीं, ये भगवंत मान क्या बोल रहा है। मैं बताता हूं आप कब टैक्स देते हो, आपको पता भी नहीं चलता आप कब टैक्स देते हो। सुबह से शुरू कर लेते हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे बुजुर्ग जगते हैं, चाय बनानी है, सबसे पहले लाइटर, जैसे ही लाइटर की स्विच दबाओगे, गैस का चूल्हा जलाने के लिए टैक्स शुरू, गैस पर टैक्स है। अगर गैस नहीं है, माचिस की तीली जलाओगे, टैक्स है। तीली माचिस लेने जाओगे बाजार में, टैक्स है। उसमें पत्ती डालोगे चाय में, टैक्स है। चीनी डालोगे, टैक्स है। दूध डालोगे, टैक्स है। उसके बाद अब तो आटे पर भी लगा दिया मोदी जी ने, आटे पर भी टैक्स है, छाछ पर भी टैक्स है, फोन करोगे टैक्स है, शाम को घर पे मोटरसाइकिल लेके कहीं जाओगे टैक्स है, शाम को घर पे आते हो खाना खाके सोने से पहले सोचते हो शुक्र है आप सो जाते हैं, अब टैक्स नहीं है। गलत फहमी में हो, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स है। तो जनता तो सोते हुए भी टैक्स दे रही है, तो फिर खजाने खाली क्यों हो जाते हैं। मेरा सवाल यह है, जनता टैक्स दे रही है, सोते हुए भी जनता टैक्स दे रही है, फिर भी खजाने खाली, जनता के लिए खजाने खाली। यह बिजली की गारंटी है। दूसरी, पंजाब में पंजाब बिजली अपनी भी बनाता है, पंजाब में 5 थर्मल प्लांट है, पंजाब में भाखड़ा डैम है, बिजली अपनी बनाते हैं, लेकिन बहुत महंगी बिजली थी पंजाब और आती भी नहीं थी। दिल्ली में 2015 में सरकार बनी, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिन्हें एक अद्भुत काम कर दिया कि दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, हालांकि दिल्ली बिजली पैदा नहीं करती, दिल्ली बिजली खरीदती है प्राइवेट कंपनियों से, फिर भी फ्री कर दी। थोड़ा बात गले से उतर नहीं रही थी, जब पता चला दिल्ली जाके, जब दिल्ली के लोगों ने बताया जी फ्री है, बिल्कुल फ्री है, आती भी 24 घंटे है, तो फिर पंजाब में जब सरकार बनी तो हमने कहा जी अपना जो तजर्बा है उसका इस्तेमाल पंजाब में करना चाहते हैं हम। 1 जुलाई 2022, आज अगस्त हो गई, 1 साल 1 महीना हो, 1 जुलाई से पंजाब में बिजली फ्री है, 90% घरों को बिजली का बिल नहीं आ रहा। इससे घर का बजट, बहुत घरों का बजट ठीक हो गया, 3-3, 4 हजार 4-5 हजार तक का बिल बचने लगा, वही पैसा बच्चों पर, बच्चों की पढ़ाई पर, वही पैसा कबीलदारी में कहीं ना कहीं और खर्च होने लगा, अच्छी बात। एक ड्राइवर मिला मुझे जब मैं लोकसभा में था, 2017 की बात होगी, दिल्ली इलेक्शन से पहले, लोकसभा में ना फेरी गाड़ियां होती हैं, इन गाड़ियां हैं जो एमपीज को उनके घरों तक छोड़ के आती और घरों से लेके भी आती। तो एक ड्राइवर मुझे मिला, मैंने कहा जी अभी इलेक्शन आएंगे दिल्ली के, कहते जी आम आदमी पार्टी को वोट डालूंगा। मैंने कहा क्यों, क्या कारण है? कहता जी बड़ा फायदा होता है। मैंने कहा क्या मतलब, बता दो सही। कहता जी जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है मेरा बिजली का बिल 0 है, जिससे मेरा कम से कम
6-7 हज़ार रुपया बच रहा है महीने का। कहता जी मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, साल में कम से कम 25-30 हज़ार हमारा खर्चा था वो बच गया जी, हम मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेके आते हैं ठीक हो जाते हैं। कहता जी सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि प्राइवेट से हटाकर बच्चे को मैंने सरकारी में दी जी, फीस बच गई जी 30-40 हज़ार रुपये। अच्छा कहता जी पानी का बिल भी आता था वो भी अब नहीं आता। कहता जी मुझे एक साल का कम से कम 1.5 लाख रुपए बच रहा है। मैंने कहा बीजेपी, कहता बीजेपी वाले कह रहे हैं 3,000 रुपया ले लो 5 साल के लिए वोट दे दो। कहता जी एक तरफ 3,000 5 साल के लिए, एक तरफ 1.5 लाख रुपया हर साल का, मुझे कहां जाने का फायदा है आबादी पार्टी। ये कबीलदारी आम घरों से निकले हुए लड़के लड़कियां, ये कबीलदारी हम समझते हैं, इनको क्या पता राजे राजाओं को, इनको क्या पता यार कि क्या होता है धरती पे क्या हो रहा है। शिक्षा की गारंटी है इस मामले में, तो ट्रंप की वाइफ ने भी कह दिया था कि मैंने दिल्ली के स्कूल देखने हैं, मोदी जी ने बहुत मिन्नतें की मत देखो, कहती नहीं मैं तो देखूंगी। तो फिर मोदी जी को पता था, उस समय एमसीडी मोदी जी के पास थी, उनको पता था अपने वाले दिखाए तो बेइज्जती हो जाएगी देश की। फिर फोन किसको किया, केजरीवाल को फोन किया, एक स्कूल खोल दो, ये ट्रंप की वाइफ जिद कर रही है मैंने स्कूल देख रहे। ट्रंप की वाइफ को स्कूल हमारे वाला दिखाया और केजरीवाल को वहां जाने नहीं दिया, तुम नहीं जा सकते वहां, कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं लेकिन दरियाओं को ना रोका नहीं जा सकता, दरिया अपने रास्ते खुद बनाते हैं। मोदी जी को किसी ने बता दिया जी मोहल्ला क्लिनिक खुल गए दिल्ली में, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना बंद हो गया जी, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से हम पैसे ले रहे थे, वो जी कह रहे हैं हमारी तो मार्केट ही धंधे ही चौपट हो गया। तो मोदी जी ने पूछा किसने किया, इस सतिंदर जैन ने किया है जी, चलो सतिंदर जैन को जेल में डाल दो, जेल में डाल दो। फिर मोदी जी को किसी ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा कमाल की हो गई जी, प्राइवेट स्कूलों वाले हमारे पास आ रहे हैं कि जी धंधा चौपट हो रहा है जी, आपको पैसे किस काम के देते हैं, सरकारी स्कूल अच्छे हो रहे हैं। तो मोदी जी ने पूछा किसने किया, मनीष सिसोदिया ने किया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। भाई साहब ऐसे खत्म कर लेंगे जी आम आदमी पार्टी को, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाए, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाए। आदियों को कह दो अपनी औकात ले रहे, ये समझते हैं कि जेल में डालकर ये पार्टी खत्म कर देंगे, अरविंद केजरीवाल की सोच को खत्म कर देंगे, गलत फहमी में है। अरे भाई साहब हम स्कूल बना रहे हैं, ये कभी स्कूल गए नहीं, मुझे कल ही किसी ने भेजा है, कहते जी मध्य प्रदेश जा रहे हो ये बोल देना, कहते जी पहले एक लाइन थी कोई एडवर्टाइजमेंट आती थी के ठंडा मतलब कोका कोला, और आजकल एक लाइन चल रही है अनपढ़ मतलब नरेंद्र मोदी, चौथी पास राजा हमारे। तो भाई साहब कुछ भी चला देते, कुछ भी बोल देते, आधी रात को ख्याल
मोदी जी को किसी ने बोल दिया कि सर नोट का रंग आपकी जैकेट जैसा होना चाहिए। भाई साहब आप नोट करना, आपकी जेब में जितने भी नोट है आप गूगल पे सर्च कर लेना, मोदी की जैकेट वाले रंग है सारे, बस ये मेरा रंग। 2000 का नोट शुरू कर दिया, कहते कमाल हो जाएगी। अब 2000 का नोट बंद कर दिया, कहते कमाल हो गई है। कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। सो स्वास्थ्य की गारंटी है, मोहल्ला क्लिनिकों की आम आदमी क्लिनिक की गारंटी है, शहीद सम्मान राशि